वेलकम दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर अपने डिस्कस करेंगे भी कमर्शियल प्रॉपर्टी के रेंट पे लगने वाले रिवर्स चार्ज टैक्स के बारे में और फॉरवर्ड चार्ज टैक्स के बारे में। यानी कि एक ऐसा कोई बिजनेसमैन जो कि जीएसटी में रजिस्टर्ड है, उसने अपने बिजनेस को चलाने के लिए जो प्रॉपर्टी है वो कमर्शियल प्रॉपर्टी है, वो रेंट पे ले रखी है, या एज ए गोडाउन के रूप में कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी रेंट पे ले रखी है। तो अब जो रेंट पे कर रहा है जो बिजनेसमैन, अब उस रेंट के ऊपर आरसीएम टैक्स भी डिपॉजिट करवाना पड़ेगा, वो भी अक्टूबर 2024 से। और अभी तक हम जो आरसीएम डिपॉजिट कराते थे वो ज़्यादातर ट्रांसपोर्टेशन चार्ज के केस में कराते थे। यानी कि एक कोई ऐसा रजिस्टर्ड बिजनेसमैन, अगर उसने किसी अनरजिस्टर्ड ट्रांसपोर्ट से कोई सर्विस ली है तो उस सर्विस पे आरसीएम हम डिपॉजिट करवाते हैं, जिसकी रिपोर्टिंग अपने जीएसटीआर 3B के अंदर करते हैं, 3.1 के डी टेबल के अंदर। और सेम मंथ के अंदर अपने उसी आरसीएम टैक्स जो हमने डिपॉजिट कराया है उसका आईटीसी भी हम क्लेम कर लेते हैं। तो अब ट्रांसपोर्टेशन के साथ साथ कॉमर्शियल प्रॉपर्टी के ऊपर अगर हम कोई रेंट पे कर रहे हैं तो उसके ऊपर भी अब आरसीएम टैक्स डिपॉजिट करवाने की लाइबिलिटी बनेगी। किस कंडीशन में हमें आरसीएम इनवॉइस बनाना है, किस कंडीशन के अंदर फॉरवर्ड चार्ज टैक्स इनवॉइस इश्यू होगा, और किस कंडीशन में ये दोनों ही एग्जम्प्ट है, और इसकी एंट्री हमें हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर किस प्रकार से करनी है, तो ये सारी बातें आज की इस वीडियो के अंदर अपने प्रैक्टिकली सीखने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कोई भी स्टेप इस वीडियो का स्किप मत करना। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहन सुथार और एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है स्मार्ट कंप्यूटर रायसनगर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन भी है, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं उस नोटिफिकेशन की जो आया है 8 अक्टूबर को, यानी कि 8 अक्टूबर 2024 को, जिसका नोटिफिकेशन नंबर है 09/2024। और ये जो नोटिफिकेशन है ये क्या कह रहा है भी, आवास या आवास के अलावा किसी भी संपत्ति को किराए पर देने के माध्यम से सेवाएं। अब कोई जो व्यक्ति है, जो मतलब जिसका ओनर है, वो रजिस्टर्ड भी हो सकता है और वो अनरजिस्टर्ड भी हो सकता है। और ये जो नोटिफिकेशन है ये 10 अक्टूबर 2024 से लागू भी हो जाएगा, ठीक है। तो अब अपने एक बार इसको थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज में समझ लेते हैं भी आरसीएम की लाइबिलिटी किसकी बनेगी और फॉरवर्ड चार्ज टैक्स इनवॉइस करने की लाइबिलिटी किसके बनेगी। तो यहाँ अपने बात करने वाले हैं कॉमर्शियल प्रॉपर्टी की, ठीक है ना। अब ABC कोई एक कंपनी है जो कि GST में रजिस्टर्ड है, यानी कि ये टेनेंट है, यानी कि अपने कह सकते हैं भी ये एक किराएदार है, ठीक है। इसने अपना बिजनेस चलाना है और इसने कॉन्टेक्ट किया है राकेश कुमार से, जो कि अनरजिस्टर्ड है, इसके पास में GST नंबर नहीं है, लेकिन ये उस शॉप का मालिक है जो कि कॉमर्शियल प्रॉपर्टी है। तो अब मान लीजिए ये ABC कंपनी राकेश कुमार को, जो कि अनरजिस्टर्ड है, इसको रेंट पे करेगा, ठीक है। कौन करेगा? ABC कंपनी। मान लीजिए 10,000 रुपये पर मंथ का रेंट पे होगा। तो अब ऐसी स्थिति के अंदर जो ABC कंपनी है, अब इस ABC कंपनी को RCM डिपॉजिट करवाना अब इसकी लायबिलिटी बन चुकी है, क्योंकि जो किराएदार है, जो टेनेंट है, वो एक रजिस्टर्ड है, और जो शॉप ओनर है, जो प्रॉपर्टी का ओनर है, वो एक अनरजिस्टर्ड है। तो ऐसी स्थिति के अंदर रजिस्टर्ड बिजनेसमैन के ऊपर RCM टैक्स डिपॉजिट करवाने की लायबिलिटी बन जाएगी। उसके बाद अपने सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर ABC कंपनी है, ये एक अनरजिस्टर्ड है, ठीक है, इसके पास GST नंबर नहीं है, ये एक किराएदार है, ठीक है। राकेश कुमार ये भी एक अनरजिस्टर्ड है, जो कि कॉमर्शियल प्रॉपर्टी का ओनर है। तो अब यहाँ पर जो किराएदार है वो भी अनरजिस्टर्ड है, और जो प्रॉपर्टी का ओनर है वो भी अनरजिस्टर्ड है। तो ऐसे में किसी भी दोनों पार्टियों के अंदर किसी के ऊपर कोई भी टैक्स डिपॉजिट करवाने की लायबिलिटी है वो नहीं बनेगी, न तो कोई RCM लायबिलिटी बनेगी, न ही कोई FCM का लायबिलिटी दोनों के ऊपर बनेगी, क्योंकि दोनों ही पार्टियाँ अनरजिस्टर्ड है। पॉइंट नंबर 3 पे चलते हैं। अब यहाँ पर ABC कंपनी है, वो एक रजिस्टर्ड है, और राकेश कुमार अब यहाँ पर एक रजिस्टर्ड है, जो कि कॉमर्शियल प्रॉपर्टी का ओनर है। तो अब ऐसे में क्या होगा, अब राकेश कुमार GST में रजिस्टर्ड है, जिसकी प्रॉपर्टी है, अब यहाँ पर क्या करेगा, अब राकेश कुमार एक अपना टैक्स इनवॉइस इशू करेगा ABC कंपनी को, ठीक है। अब मान लीजिए
रेंट है 10,000 रुपये, ठीक है। अब इस 10,000 रुपये के ऊपर क्या होगा, 1,800 रुपये का जीएसटी चार्ज करेगा। अब इसको अपने बोलेंगे एफसीएम, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, यानी कि ये टैक्स इनवॉइस के ऊपर जो टैक्स इसने लगा दिया। तो अब इसके इस कंडीशन के अंदर अब एबीसी की आरसीएम टैक्स डिपॉजिट करवाने की लायबिलिटी अब नहीं रही है। तो अब टोटल जो अमाउंट है वो अब यहाँ पर जितनी भी इसकी अमाउंट यहाँ पर जो बनने वाली है 11,800 रुपये की, ये 11,800 रुपये एबीसी कंपनी राकेश कुमार को पे करेगी, जिसके अंदर ये जो 1,800 रुपये का जो टैक्स चार्ज किया राकेश कुमार ने एबीसी कंपनी से, अब इसका आईटीसी एबीसी कंपनी को मिल जाएगा। तीसरी अगर अपने बात करते हैं, चौथा पॉइंट है, अब यहाँ पर एबीसी कंपनी रजिस्टर्ड है, राकेश कुमार भी रजिस्टर्ड है, लेकिन यहाँ पर जो प्रॉपर्टी है वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, कॉमर्शियल प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। तो अभी इस स्थिति के अंदर आरसीएम भी इनवॉइस कोई नहीं होगा और नहीं यहाँ पर कोई एफसीएम बनने वाला, क्योंकि ये रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को आरसीएम से बाहर रखा गया है। तो केवल और केवल जो रेंट पे होगा और जिसके ऊपर आरसीएम पे बोलेगी वो होनी चाहिए आपकी कॉमर्शियल प्रॉपर्टी। कॉमर्शियल प्रॉपर्टी के ऊपर ही आरसीएम और एफसीएम के प्रावधान लागू हैं। तो अब अपने चलते हैं टेली सॉफ्टवेयर पर, वहां पर देखते हैं भी इसका ट्रीटमेंट किस प्रकार से होगा। तो सबसे पहले अब मैं आपको कुछ ट्रांजेक्शन दिखा देता हूँ जो मैंने ऑलरेडी कर रखे है, उसके बाद में मैं सारी ट्रांजेक्शन को डिलीट करूंगा और सारी एंट्री आपको सामने दिखाने वाला हूँ। तो अब अपने मैंने GSTR 3B को ओपन किया हुआ है, और 3B को अगर अपने ओपन करके देखेंगे तो मैंने यहाँ पर एक आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई, ठीक है, यहाँ पर भी कुछ अमाउंट आ रही है, कितने की है 1,990 रुपये, ये टैक्सेबल अमाउंट है, और 10,000 रुपये यहाँ पर भी आ रही है। और ये जो 10,000 रुपये की आ रही है ये किसके अंदर आ रही है, एप्लीकेबल फॉर रिवर्स चार्ज, यानी कि ये आरसीएम है, ठीक है। और यहाँ पर जो टैक्स मेरा बना है ये मेरा सेल का टैक्स बना हुआ है और ये मेरा आरसीएम का टैक्स बना हुआ है। तो टोटल टैक्स जो मेरा आउटपुट बन चुका है वो 949 रुपये 75 पैसे, 949 रुपये 75 पैसे की मेरी लाइबिलिटी यहाँ पर बन चुकी है। और यही अगर अपने आईटीसी की बात करें तो टोटल आईटीसी मेरे को 1482 रुपये 50 पैसे का मिला हुआ है, जिसके अंदर ये 900 रुपया अगर आप यहाँ देखेंगे इसके ऊपर तो ये कौन सा आ रहा है, रिवर्स चार्ज का, यानी कि जो मैंने आरसीएम डिपॉजिट मेरी जो लाइबिलिटी बनी थी वही मेरा आईटीसी भी यहाँ पर आ रहा है। और इसके अलावा ये 582 रुपये 50 पैसे का जो मेरे को आईटीसी आ रहा है ये कहाँ से आ रहा है, ऑल अदर इनपुट टैक्स, यानी कि ये मैंने कोई गुड्स वगैरह परचेज मैंने करी है जिसके ऊपर मैंने टैक्स पे किया। एंट्री आपको दिखा देता हूँ, ये एक नॉर्मल एंट्री है परचेज वाउचर के अंदर, आइटम का नाम है, क्वान्टिटी है, टैक्सेबल अमाउंट है और इसके ऊपर टैक्स लग गया, ये 582 रुपये मेरे को परचेज के ऊपर टैक्स मैंने पे कर दिया। और ये 900 रुपये की जो एंट्री है ये 900 रुपये की मैंने एक रेंट पे किया हुआ है, रेंट पेड शॉप, ठीक है, और ये यहाँ पर शॉप ओनर को मैंने क्रेडिट किया, ये मैंने जर्नल वाउचर के अंदर एंट्री कर दी, तो उसका 900 रुपये। आपको ये जर्नल वाउचर के अंदर ये इसका जो टैक्स है वो कहीं शो नहीं होगा। तो इस एंट्री को मैं एक बार डिलीट करता हूँ एल्ट डी से, जैसे मैंने डिलीट कर दिया वापस 3B की रिपोर्ट को चेक करते हैं, ठीक है। अब अपने देखेंगे तो यहाँ पर ये जो 1,990 रुपये का ये बेसिक मेरी वो सेल अमाउंट है, मैंने एक सेल का इनवॉइस बनाया हुआ है, देख एक इनवॉइस है, 2 अक्टूबर को इनवॉइस है, आइटम है, क्वांटिटी है और ये टैक्स है। ये परचेज और सेल की एंट्री अपने मैसेज करते आ रहे वैसे ही मैंने एंट्री करी है, ठीक है। मैं एक बार वापस स्पीड आपको चेक करा देता हूँ, 1 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर तक का एल्ट ऑफ वन के साथ मैंने डिटेल ओपन कर दी, ये मेरा आउटपुट बन चुका है और ये मेरा परचेज के ऊपर मेरा इनपुट टैक्स है जो आ गया है। अब अपने बात करेंगे भी अगर अपने को आरसीएम की एंट्री अगर अपने को करनी हो, चाहे वो गोडाउन रेंट पे हो चाहे वो शॉप रेंट पे हो, तो उसके लिए अपने को कुछ लेजर क्रिएट करने होते हैं। आपको मैं लेजर दिखा देता हूँ, लेजर पे जाएंगे और मान लीजिए मैंने एक लेजर क्रिएट किया हुआ है आरसीएम सीजीएसटी टैक्स के नाम से, जिसका ग्रुप मैंने रख दिया ड्यूटीज एंड टैक्सेस और बाकी मैंने जीएसटी को रख दिया टाइप ड्यूटी के अंदर और उसके अंदर रख दिया सीजीएसटी के अंदर, और इसी तरीके से मैंने एसजीएसटी का लेजर भी क्रिएट कर दिया और इसी तरीके से आपका आईजीएसटी का भी लेजर क्रिएट हो जाएगा। और उसके बाद में अब मैंने यहाँ पर 2 लेजर क्रिएट किए हुए हैं, रेंट पेड गोडाउन का भी है और रेंट पेड शॉप का भी है, क्योंकि अब आपके पास कॉमर्शियल प्रॉपर्टी शॉप वाली भी हो सकती है और शॉप के साथ साथ मान लीजिए आपने कोई गोडाउन रेंट पे ले रखा है वो भी कॉमर्शियल प्रॉपर्टी है, तो आपको शॉप रेंट पे भी आरसीएम डिपॉजिट कराना है और जो गोडाउन रेंट आप पे कर रहे हो
उसके ऊपर भी आपको आरसीएम जमा कराना है। तो इसलिए मैंने अलग अलग यहाँ पे दो लेजर क्रिएट कर दिए, लेकिन क्रिएट करने का तरीका सेम ही है। आपको मैं बता देता हूँ, मैंने यहाँ पे लेजर का नाम क्रिएट कर दिया, ग्रुप मैंने इसका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रखाया, जीएसटी मैंने यहाँ पर एप्लीकेबल रखी हुई है, और यहाँ पर इसकी जो एचएसएन डिटेल है वो यहाँ पर मैंने मेंशन कर दी, ठीक है। और यहाँ पर जो जीएसटी रेट है वो मैंने टैक्सेबल रख दिया और जीएसटी 18% का कर दिया। तो उसके बाद में यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा एप्लीकेबल फॉर रिवर्स चार्ज, एप्लीकेबल फॉर रिवर्स चार्ज, क्या इस एक्सपेंसिस के ऊपर आरसीएम एप्लीकेबल है, यानी कि रिवर्स चार्ज आप पे करोगे, बिल्कुल करेंगे। अगर आपके पास में ये ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आपको करना क्या है, F12 बटन यानी कि कॉन्फ़िगरेशन पे आना है, और उसके बाद में यहाँ पर जीएसटी डिटेल के अंदर इनेबल रिवर्स चार्ज कैलकुलेशन, इसको आपको यस कर लेना है, और एलिजिबल फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट, इसको भी आपको यस कर लेना है। तो ये दो ऑप्शन अगर आप यस कर लोगे तो ये दोनों ऑप्शन आपको यहाँ दिखाई देंगे, दोनों को यस रखना है। एंटर प्रेस करेंगे, टाइप ऑफ सप्लाई को अपने सर्विस रखेंगे और इस लेजर को अपने एक्सेप्ट कर देंगे। और इस तरीके से एक मेरे पास में लेजर है शॉप ओनर का, ठीक है, जो कि जिसको मैं पे करूंगा। तो यानी कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर शॉप ओनर की जगह नाम चेंज कर दिया, यहाँ पे लिख दिया राकेश कुमार, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ शॉप ओनर, ठीक है, और यहाँ पर मैंने इसका लेजर क्रिएट कर दिया। और ये मेरा करंट लाइब्रेरी में आप रख सकते हो, चाहे तो आप इसको सैलरी क्रेडिट के अंदर भी, क्रेडिटर के अंदर भी आप इसको रख सकते हो। मैंने यहाँ पर इसको एक्सेप्ट कर दिया, ठीक है। अब आपको इसकी एंट्री किस तरीके से करनी है, एंट्री आप कर जाएंगे, मान लीजिए 31 अक्टूबर को आप हर मंथ एंड के ऊपर आप इसको रेंट पे की एंट्री करोगे आप। अब यहाँ पर रेंट पे करना है या रेंट की एंट्री करनी है, दो अलग अलग मैटर है। मैं यहाँ पर केवल रेंट की एंट्री कर रहा हूँ, जनरल वाउचर में जाऊँगा, आप परचेज में भी कर लो चाहे जनरल में कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मान लीजिए मैंने यहाँ पर रेंट पे शॉप अकाउंट को डेबिट कर दिया, 10,000 रुपये मान लीजिए मेरा रेंट है, तो 10,000 रुपये को मैं डेबिट करूंगा और राकेश कुमार जो मेरा शॉप ओनर है उसके अकाउंट को मैं यहाँ पर क्रेडिट कर दूंगा, ठीक है। अब इस क्रेडिट से क्या होगा, अभी जो मेरा 10,000 रुपये का जो एक्सपेंसेस है वो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आ जाएगा, आप देखोगे यहाँ पर रेंट पे डाल गया, ठीक है। और अपने बैलेंस शीट की बात करेंगे तो बैलेंस शीट के अंदर आप देखोगे ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर केवल मेरे पास वही दो टैक्स है, जो एक पास मेरा परचेज का इनपुट है और सेल वाला मेरे पास में आउटपुट है, और टैक्स भी मेरे नॉर्मल वही है, CGST और SGST। RCM का लेजर आपको यहाँ पर अब दिखाई नहीं देगा। अब अपने चलते हैं अक्टूबर मंथ की GSTR 3B की रिपोर्ट पे। तो इसके लिए आप एल्ट गो थ्रू मेरा एल्ट जी यानी कि गो टू पे जाओगे और GSTR 3B अपने यहाँ पर टाइप कर देंगे, ठीक है। टाइम पीरियड 1 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर का मैं दूंगा। तो जैसे मैं अक्टूबर का दूंगा, एल्ट F1 के साथ मैं डिटेल प्रेस करूंगा, ठीक है। तो अब डिटेल में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो मेरी टोटल टैक्सेबल अमाउंट बन गई 11,990 रुपये की, जिसमें 1,990 रुपये जो मेरी सेल की टैक्सेबल अमाउंट थी वो आ गई, और 10,000 रुपये अभी जो अपने ने RCM की एंट्री करी थी वो आ गई। और ये RCM की एंट्री आपको यहाँ पर 3.1 के डी टेबल के अंदर आपको शो होगी, और अदरवाइज आपको 3.1 के अंदर आउटवर्ड टैक्स सप्लाई के अंदर शो होती है, और टोटल आपका यहाँ पर ऊपर आपको शो होता रहेगा, ठीक है। और यहीं पर आपने क्या होगा भी, ये हमारी इनवर्ड जो हमारा GST का इनपुट है उसके अंदर इनपुट भी हमारा बढ़ गया, वो 1482 रुपये हो गया, जिसके अंदर हमारा 582 रुपये तो परचेज के ऊपर टैक्स था, और 900 रुपये के ऊपर ये RCM वाला टैक्स, इसका भी इनपुट हमारे को ITC के अंदर शो किया। लेकिन अभी इसके अंदर एंट्री पूरी हुई नहीं है, एक बार अपने बैलेंस शीट को देखते हैं, एल्ट F1 के साथ डिटेल देखेंगे, ड्यूटीज एंड टैक्स पे जाएंगे तो ड्यूटीज एंड टैक्स के अंदर अभी भी अपने को खाली वही परचेज और सेल वाला टैक्स ही शो कर रहे हैं। लेकिन अब हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा RCM है उसकी लाइबिलिटी अब हमें यहाँ पर क्रिएट करनी पड़ेगी। वो किस तरीके से करनी पड़ेगी, इसके लिए हमें एक जर्नल एंट्री पास करनी पड़ेगी। वाउचर पे आएंगे, आपको यहाँ पर जर्नल वाउचर यूज करना है, और जर्नल वाउचर के बाद आपको यहाँ पर एक स्टेट एडजस्टमेंट यानी कि Alt-J बटन प्रेस करना है। तो Alt-J बटन प्रेस करेंगे तो ये हमारी स्टेशनरी एडजस्टमेंट की डिटेल ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर अपने ड्यूटी को सिलेक्ट करेंगे GST के अंदर। तो अब अपने क्या करने वाले हैं, जो हमारी लाइबिलिटी है उसको इंक्रीज करेंगे, ठीक है, यानी कि उसके टैक्स की लाइबिलिटी को अपने बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ आपको सेलेक्ट करना है इंक्रीज टैक्स लाइबिलिटी।
तो टैक्स लाइबिलिटी करेंगे तो ये पूछा जाएगा भाई टैक्स लाइबिलिटी आप किसके साथ एडजस्ट कर रहे होगे। भी हम टैक्स की लाइबिलिटी इसलिए इंक्रीज कर रहे हैं ताकि हमने अनरजिस्टर्ड से परचेज किया हुआ है उसका में आरसी में जो हम पे करेंगे। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, जो हमारा आरसीएम का टैक्स हमने क्रिएट किया है तो आरसीएम सीजीएसटी टैक्स ठीक है 900 रुपये का, फिर अपने वापस डेबिट करेंगे आरसीएम एसजीएसटी को। अपने चाहते तो सीजीएसटी और एसजीएसटी को भी डेबिट कर सकते थे, लेकिन अगर हमने आरसीएम का अलग लेजर क्रिएट कर लिया तो हमें पता रहेगा कि हमने गुड्स सेल और परचेज के दौरान हमारी लाइबिलिटी कितनी बनती है और आरसीएम की लाइबिलिटी कितनी बनती है, अलग अलग लेजर हमारे यहाँ पर बन जाएंगे। तो इनको डेबिट कर दिया तो अब हमें यहाँ पर एक लेजर और क्रिएट कर लेना पड़ेगा आरसीएम लाइबिलिटी का ठीक है ना। तो यहाँ पर एल्ट सी से अपने एक लेजर और क्रिएट करेंगे आरसीएम लाइबिलिटी का ठीक है। इसको आप करंट लाइबिलिटी में रख दो चाहे ड्यूटीज एंड टैक्सेस में रख दो। अगर आप ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर रखोगे तो यहाँ आपको इसको अदर रखना पड़ेगा, यहाँ पर पर्टिकुलर कोई जीएसटी सिलेक्ट नहीं करना, अदर में रख दो आप ठीक है। या आप रखो तो करंट लाइबिलिटीज के अंदर भी आप इसको रख सकते हो, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, सेम ही ट्रांजेक्शन होगी। और यह आपको अनरजिस्टर्ड करते हुए इसको एक्सेप्ट करना है, यानी कि ये 1800 रुपये की हमारी लाइबिलिटी बन चुकी है। तो यहाँ आपकी आएगी जीएसटी डिटेल। अभी जीएसटी डिटेल के अंदर आपका क्या आ जाएगा भी पार्टी नेम भी ये कौन है, तो यहाँ पर हमारा एक नया क्रिएट कर देते हैं राकेश कुमार के नाम से। यहाँ वैसे आप न्यू पार्टी मैनुअली नाम लिख सकते हो यहाँ पे राकेश कुमार के नाम से ठीक है। और ये अनरजिस्टर्ड है, अगर यहाँ पर आप नाम ना भी लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं, अगर आपका यहाँ पे नोट एप्लीकेबल पड़ा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जरूरी नहीं है नाम लिखना। नाम इसलिए लिख सकते हैं ताकि अपने को पता चले भी ये रेंट किसको पे हुआ हुआ है, एंटर प्रेस करेंगे अब ये हमारी जनरल एंट्री पास होगी। अब हम एक बार बैलेंस शीट पे चलते हैं, LTF1 डिटेल करेंगे। तो अब यहाँ अगर आप देखोगे ना तो ये हमारी आरसीएम की लाइबिलिटी आप देखो 1800 रुपये से आ चुकी है ठीक है। और जीएसटी के अंदर जाके देखें तो जीएसटी के अंदर ये हमारी अब ये जो आरसीएम वाला जो टैक्स था वो भी इसके अंदर इंक्लूड हो चुका है, यानी कि टोटल अब हमारा 2865 रुपये का ITC बन चुका है। और ये अब हमारी लाइबिलिटी 1800 रुपये की बनेगी। अब हमें इसको पे करना है, लेकिन पे करने से पहले एक बार अपने GSTR-3B को वापस गो थ्रू करेंगे। GSTR-3B 1/10 से लेके और 31 अक्टूबर तक ठीक है। तो अब यहाँ पर अपने LTF1 की डिटेल के साथ देखेंगे तो ये अभी भी हमारा जो टैक्स है 1482 रुपये का वो अभी यहाँ पर भी आ रहा है, यानी कि टोटल अब हमारी लाइबिलिटी कितनी इनपुट का टैक्स में कितना मिलने वाला है 1482 रुपये का, और आउटपुट अभी हमारा कितना है 949 रुपये का ठीक है। और अब हमारी जो आरसीएम हमारी बैलेंस शीट के अंदर जो शो हो रही है ये वाली 1800 रुपये की, अब इसको हमें पे करना है। तो पे करने के लिए अपने इसकी वाउचर एंट्री करेंगे, पेमेंट पे जाएंगे, आरसीएम लाइबिलिटी का जो लेजर हमने क्रिएट किया उसको वापस हम डेबिट कर देंगे 1800 रुपये से डेबिट कराएंगे। और हमने जो चलान हमने जिस बैंक के थ्रू इसकी पेमेंट करी है उस बैंक के अकाउंट को अपने यहाँ पर क्रेडिट कर देंगे। अब वापस अपने बैलेंस शीट पे जाके देखते हैं, तो बैलेंस शीट पे जाएंगे तो अब जो हमारी आरसीएम की जो लाइबिलिटी थी अब वो यहाँ से हट चुकी है ठीक है। और ये शॉप ओनर का अब ये 10,000 रुपये या इसकी ये हमारी लाइबिलिटी बनी हुई है भी। अब इसको जब भी अपने पे करेंगे, ये हमने 31 अक्टूबर तक ये एंट्री करी है भी रेंट की, ये हमने पेमेंट करने की एंट्री नहीं करी है। ये पेमेंट की एंट्री जिस दिन होगी, जिस दिन हमने इस राकेश कुमार को यानी कि जो हमारा कॉमर्शियल प्रॉपर्टी का शॉप ओनर है उसको जब अपने इसका भुगतान कर देंगे तब ये हमारी लाइबिलिटी यहाँ से हटेगी। और ये यहाँ पर एक वो सेंट्री क्रेडिटर वही है जो हमने परचेज की एंट्री कर रखी थी। और ये टोटल हमारा जो ड्यूटीज एंड टैक्सेस का है ये हमारा इनपुट है, ये 532 रुपये तो आपका इनपुट आउटपुट में से एडजस्टमेंट वो हो गया। और ये 1800 रुपये 900 रुपये आपका आरसीएम जो आपने जमा करा दिया वो भी आपका टैक्स बन चुका। तो इसमें क्या होगा भी हमारे पास जो लेजर है वो लेजर अलग अलग हिसाब रहेंगे भी हमारा नॉर्मल टैक्स का इनपुट कितना है और आरसीएम का जो इनपुट हमारे पास में आ रहा है वो कितना बचा हुआ है। तो इस तरीके से ये हमारी एंट्री रहेगी अगर हमारी आरसीएम टैक्स डिपॉजिट करवाने की लाइबिलिटी बनती है। तो अब इसी का अपने अपोजिट चलते हैं, मान लीजिए हमने रजिस्टर्ड किसी व्यक्ति को रेंट पे प्रॉपर्टी दी हुई है, अभी तक हमने रेंट पे प्रॉपर्टी ले रखी थी, अब मान लीजिए हमने प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड व्यक्ति को रेंट पे दे रखी है, तो अब ऐसी स्थिति में क्या होगा, अब हम उसको टैक्स इनवॉइस इशू करते हैं। टैक्स इनवॉइस करने के लिए वाउचर पे चलते हैं,
सेल वाउचर पे जाएंगे। अब यहाँ पर आपको अपना ये मोड है वो चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको अकाउंटिंग इनवॉइस पे लेना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ अपने एक पार्टी बना लेते हैं, बी एक्स वाई जेड कंपनी, ठीक है, और ये हम इसको रख देते हैं सैलरी डेप्टर में, और मान लीजिए ये भी एक रजिस्टर्ड है, तो रजिस्टर्ड है तो इसके पास में जीएसटी नंबर भी होगा, तो अपने इसको एक जीएसटी नंबर इसका डाल देते हैं, कोई हमने कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर आप अपने एक लेजर क्रिएट करेंगे रेंट रिसीव्ड, क्योंकि अब अपने रेंट जो रिसीव कर रहे हैं, रेंट रिसीव का अपने लेजर बना दिया, ये अब अपनी कंपनी के लिए इनडायरेक्ट इनकम बन जाएगी, ठीक है। जीएसटी भी इसके ऊपर लग रहेगा, ठीक है। जीएसटी की जो हमारी डिटेल है एच एस एन कोड वगैरह वो अपने यहाँ पे एक बार मेंशन करेंगे, ठीक है। और अब उसके बाद में, ठीक है, यहाँ पर इसका जो टैक्स रेट है टैक्सेबल जीएसटी 18%, ठीक है ना। और टाइप ऑफ जो हमारा सप्लाई है वो क्या रहने वाला है, सर्विस रहेगा। इंटरप्रेस करेंगे, मान लीजिए अब हम 10,000 रुपये का रेंट रिसीव कर रहे हैं, तो 10,000 रुपये रेंट रिसीव करेंगे और उसके बाद में सीजीएसटी टैक्स और एसजीएसटी टैक्स ये चार्ज करेंगे। टोटल ये 11,800 रुपये का अपने इसको फॉरवर्ड चार्ज के अंदर इनवॉइस इशू करेंगे। अब इससे क्या होगा, जब हमारी GSTR 1 रिपोर्ट बनेगी, तो सबसे पहले अपने GSTR 1 को शो करते हैं। इसके लिए अपने वापस LG और यहाँ अपने सर्च करेंगे GSTR 1 को, टाइम पीरियड यहाँ पर देंगे 1 अक्टूबर से लेके और 31 अक्टूबर तक का। तो अभी हमने जो एक इश्यू इनवॉइस किया था B2B का, तो वो हमारा यहाँ पे 10,000 रुपये का B2B के अंदर आ गया, जो कि हमने रेंट रिसीव का जो हमने टैक्स इनवॉइस इशू किया था, ठीक है। तो ये हमारा रजिस्टर्ड पार्टी को इशू किया था, तो ये रजिस्टर्ड में आ गया, और ये हमारा B2C की जो हमारी एक केस सेल थी, तो वो हमारी B2C के अंदर सेल शो हुई। तो इस तरीके से आप RCM इनवॉइस और फॉरवर्ड चार्ज मैकेजम का यानी कि FCM चार्ज का भी टैक्स इनवॉइस है जो इशू कर सकते हो। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और अभी तक आपसे रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वो भी आप ज़रूर कर देना।